हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसोसोर टैबलेट के बारे में। दोस्तों, बेसोसोर टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, बेसोसोर टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बेसोसोर टैबलेट की बात करें तो इसको ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो बेसोसोर टैबलेट के अंदर सिंडेनाफिल सिट्रेट 20 mg इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 218 रुपीज़ में ये 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इस समय जो इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, इस बेसोसोर टैबलेट का जो इस्तेमाल किया जाता है, यदि किसी को दोस्तों नपुंसकता जैसी समस्या रहती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी को पल्मोनरी हाइपरटेंशन की समस्या रहती है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो बेसोसोर टैबलेट होती है दोस्तों, ये एक एलोपैथिक मेडिसिन होती है। यदि किसी को नपुंसकता की समस्या रहती है, इसकी सेक्स टाइमिंग कम होती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यदि किसी को नपुंसकता जैसी समस्या रहती है, यदि किसी की सेक्स टाइमिंग कम रहती है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की समस्या रहती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस टैबलेट का जो आपको इस्तेमाल करना होता है सेक्स करने से पहले, आधा घंटे पहले इसको आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, यदि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी मल्टीविटामिन का ज़रूर इस्तेमाल करें इस टैबलेट के साथ। दोस्तों, मल्टीविटामिन के साथ इस्तेमाल करने से इस टैबलेट का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों, आप इस टैबलेट का अननेसेसरी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपके सिर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हार्ट डिसीज़ है या आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस टैबलेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।